STEM Electronics Project 1 on breadboard. नमस्ते, आइए ब्रेडबोर्ड पर पावर इंडिकेशन सर्किट बनाएं, जो हमारे आगे के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। आइए सर्किट डायग्राम में मेंशन किए गए अनुसार टिंकरकैड में कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। हम ब्रेडबोर्ड, यूएसबी मानक ए कनेक्टर, एलईडी लाल और 1 किलो ओम्स वैल्यू का रेसिस्टर ड्रॉ करेंगे। पहले हम ब्रेडबोर्ड की बेसिक वायरिंग पूरी करेंगे, इसीलिए पावर पूरे ब्रेडबोर्ड में फ्लो होता है। फिर हम निम्न तरीके से कनेक्शंस बनाएंगे। यूएसबी का पॉजिटिव 5 वोल्ट ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव लाइन से। इस पॉजिटिव लाइन के लिए हम तार का रंग चुनेंगे लाल। ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन के लिए यूएसबी का ग्राउंड। इस नेगेटिव लाइन के लिए हम वायर का रंग चुनेंगे काला। ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव लाइन के रेसिस्टर का टर्मिनल 1, एलईडी के एनोड के लिए रेसिस्टर का टर्मिनल 2, एलईडी का कैथोड ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन तक। हमने अब ब्रेडबोर्ड पर सर्किट कंप्लीट कर लिया है। चलिए सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। चमकती हुई लाल एलईडी इंडिकेट करती है कि सर्किट पावर्ड है, जिसका अर्थ यह भी है कि सर्किट क्लोज्ड है। जब लाल एलईडी ग्लो नहीं करता है तब सर्किट ओपन रहता है। यह सर्किट पावर के इंडिकेशन के लिए हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाया जाता है। अब आप अपना खुद का सर्किट बना सकते हैं, इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। मस्ती करें।